क्लास 3 के बच्चों को मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4 पढ़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज 4 कराने वाले हैं। इसके पहले का एक्सरसाइज आपका हो चुका था। एक्सरसाइज 4 क्या है आपका? एक्सरसाइज 4 एडिशन। एक्सरसाइज 4 हो चुका था। 4 क्या है आपका? एडिशन। 4 क्या है आपका? एडिशन। क्या है एडिशन? एडिशन मतलब होता क्या है? देखिए एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। अब देखिए यहाँ दो स्टूडेंट खड़े हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं देखिए। व्हाट इज द साइन ऑफ एडिशन? एडिशन का साइन क्या होता है बच्चों? एडिशन का साइन, दूसरा स्टूडेंट खड़ा है कह रहा है द साइन ऑफ, द साइन ये क्या है? प्लस। प्लस का है ना, द साइन प्लस रिप्रेजेंट एडिशन। जो प्लस है उसको क्या करता है? एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो मेरा नंबर्स दिया इसको ऐड करने के लिए बहुत सिंपल है बच्चों। 8 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 9। 5 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 8। 4 में 3 ऐड करेंगे 4, 5, 6, 7 क्या हो गया? 7। 6 में क्या ऐड कर, 6 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 6 के बाद देखिए 2 ऐड करिए, 6 के बाद 7, 8 क्या हो गया? 8। ये आपका एडिशन हो गया। अब देखिए इसमें भी एक और ऐड कर लीजिए, 4 में क्या ऐड करेंगे? जैसे मान लीजिए सपोज डेट आपके पास 4 मैंगो है, कितने मैंगो हैं? 4 मैंगो हैं। उसमें कोई और 2 मैंगो दे दिया, कोई और आपको 2 मैंगो दे दिया, 4 मैंगो है और कोई आपको 2 मैंगो और दे दिए, कितने मैंगो हुए आपके पास? 4 में क्या क्या आप ऐड किए? 2 मैंगो, तो कितना मैंगो हो गया? 4 के बाद 5, 6, 6 मैंगो होंगे। 9 में 0 मैंगो क्या हो गया? 9। 6 मैंगो में 2 मैंगो या 2 मैंगो में 6 मैंगो ऐड करिए, तो 6 मैंगो आपके पास है, 2 मैंगो कोई आपके दोस्त दे दिए आपको 2 मैंगो, तो 6 में 2 ऐड कर लीजिए, 7, 8, 8 मैंगो आपके पास हो गए। 6 में फिर क्या ऐड करेंगे? 3 मैंगो, 6, 7, 8, 9। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, चाहे ऊपर से नीचे ऐड करिए चाहे नीचे से ऊपर ऐड करिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। इस तरह से आप ये सब कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द सम। देखिए कह रहा है इसको कॉलम में अरेंज करिए और सम बताइए। इसको किस में अरेंज करिए और सम बताइए? कॉलम में। देखिए कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, इसको पहले आपको बता देते हैं। कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं। देखिए जैसे कोई आपका नंबर है, अगर इस नंबर को हम लिख लेते हैं 2 + 3, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। जैसे मान लीजिए सपोजेड आपके पास 2 बॉल हैं, ठीक है, 3 बॉल और आ गए, कितने बॉल आ गए? 3 बॉल और आ गए, तो ऐड करिए 1, 2, 3, 4, 5, कितने बॉल हो गए आपके पास? 5। तो जिसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल या रो मेथड, ठीक है। और कॉलम मेथड क्या होता है? 2, 3 यानी ऊपर नीचे जब राइट करते हैं, ये हमारा कॉलम मेथड है। ये हमारा क्या है? कॉलम मेथड है। जैसे आपके पास कितने बॉल हैं? 2 बॉल, फिर 3 बॉल और हैं, अब इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, कितने बॉल हो गए? 5 बॉल। कितने बॉल हो गए आपके पास? 5 बॉल हो गए। कितने बॉल हो गए बच्चों? 5 बॉल। अब देखिए ये तो ये हमारा कौन सा मेथड है? कॉलम मेथड। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द सम। कॉलम में अरेंज करिए और इसका सम बताइए। देखिए तो हम इसको हम अरेंज करते हैं कॉलम में, क्या है क्वेश्चन? 1, 0, 1, 2, फिर +8, 2, 5, 6, इसको हम अरेंज करते हैं। देखिए अरेंज करने का मेथड है, पहले देखते हैं कितने डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर। ये भी कितने डिजिट है? 4 डिजिट नंबर, ठीक है। देखिए हम पहले 4 डिजिट नंबर लिखने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड लिखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है, हो गया। क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है इसलिए हम थाउजेंड तक लिख लिए। अब बारी बारी से करके हम फिल आउट करते हैं। बारी बारी से करके क्या करते हैं? फिल आउट करते हैं। ये नहीं कि वो यहाँ से 0 उठाए वंस पे फिल कर दिए, 1 उठाए यहाँ फिल कर दिए, लाइन टू लाइन फिल करते हैं। वंस प्लेस पे क्या है? 2। टेंस पे क्या है? 1, फिर 0, फिर 1। अब देखिए हमारा क्या है,
इसको फिल करते हैं वंस प्लेस पे 6, फिर 5, फिर 2, फिर 8, साइन लगाते हैं और इसको ऐड करेंगे। देखिए बच्चों ऐड करिए, 6 में हमें क्या ऐड करना है, 2, तो 6 में 2 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 8। 5 में क्या ऐड करें, 1, 6। 2 में 0 ऐड किए, 2, 8 में 1, 9। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी कर रहा है अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, इसको भी अरेंज कर लेंगे कॉलम में और ऐड कर लेंगे। देखिए एक और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया आपका, देखिए एक और दे दिया जैसे आपका 1, 2, 3, 4, तो उसके बाद दे दिया 1, 8, 5, 8 एंड लास्ट वन भी 1, 2, 4, 3 या 4, 8। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा कोई दिया है 4 डिजिट नंबर 1234, 7858, 4248, ठीक है, दिया है कह रहा है इसको ऐड करिए, तो इसमें आप किसी को भी ऊपर नीचे लिखकर ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे वंस डिजिट के साथ हो, टेंस प्लेस पे डिजिट जो टेंस प्लेस पे की डिजिट है टेंस प्लेस पर ही हो, 100 प्लेस के जो डिजिट है 100 प्लेस पर हो, ठीक है। तो देखिए वंस टेंस 100 1000 बनाए, ठीक है। अब देखिए वंस प्लेस पे क्या है, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये हो गया। इसको फिल कर लिए, फिर इसके बाद इसको फिल करते हैं 8, 5, 8, 7, फिर इसको फिल करते हैं 8, 4, 2, 4, इसको फिल कर लिए। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप अपने से कर लेंगे और इसके बाद का जो एक्सरसाइज होगा वो आपको अगले वीडियो में हम फिर इसको पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 4.2 आपको अगले वीडियो में।